हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी लीनस लाइफस्टाइल। गाइस, आज मैं जो लेकर आई हूँ वो सब जानते हैं ब्लीच के बारे में। ये ओलिविया का ब्लीच है गाइस, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। नो सल्फेट, नो पैराबेन, हर्बल है और इसमें है हल्दी, चंदन, एलोवेरा, नींबू। ये तीनों चारों चीज़ें, ये चारों चीज़ें आप सबको पता होगा स्किन के लिए बेस्ट है, बेस्ट रेमेडी मानी जाती है जो इस ब्लीच में है। सो ये गाइस, ब्लीच के बारे में लोगों के काफ़ी सारे मिथ्स हैं। कईयों का कहना ये है कि ब्लीच से आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, आपकी स्किन लटक जाती है और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। आई डोंट थिंक, क्योंकि मैं 15 सालों से ब्लीच यूज़ कर रही हूँ, मेरी स्किन में कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे स्किन मेरी जल गई हो या बर्न हो गई हो। मैं कंटिन्यूसली, वैसे मैं महीने में या दो महीने में एक बार यूज़ करें। गाइस, कभी भी आप ब्लीच का जो एक्टिवेटर क्रीमें से मिक्स करते हैं, कभी भी स्टील की या प्लास्टिक की कटोरी यूज़ नहीं करना, हमेशा ग्लास, ठीक है। ये है शीशे की कटोरी, इस देखिए अंदर से येलो कलर है क्योंकि इसमें चंदन है, हल्दी है, हल्दी का रंग येलो होता है। ये एक्टिवेटर पाउडर है, इसे डालेंगे टाइप के, एक्टिवेटर पाउडर है, पूरा पाउडर डालना है क्योंकि ये ऑलरेडी मेजर है, आपको मेजर नहीं करना कुछ भी। इतना प्यारा कलर है, येलो, गोल्डन येलो कलर, इट मींस आपकी स्किन ब्लीच करने के बाद गोल्डन ग्लो देने वाली है। जिसमें दाने हैं गाइस एक्टिवेटर पाउडर के, वो मेल्ट हो जानी चाहिए, तब तक आपको इसको मिक्स करना है। कितना प्यारा कलर है, इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नाउ वी अप्लाई इट। हमें नेक से फेस पूरा कवर करना है, सिर्फ अडर एरिया है उसको अवॉइड करना है क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया होता है हमारा। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गई, आप जब कभी पहली बार अगर ब्लीच यूज करें तो मेक श्योर गाइस आप एक पैच टेस्ट जरूर करना, आप अपने हाथ पे इस तरह से अप्लाई करना और देखना कि ये थोड़ी देर बाद आपको इरिटेशन होती है या रेडिश हो जाती है, यूज़ करना क्योंकि ये आपको शायद सूट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो एक पैच टेस्ट ज़रूरी है फर्स्ट टाइम जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए। बस ये गाइडलाइन है, आपको ये याद रखनी है। ब्लीच लगाना इतना मुश्किल नहीं है, ब्लीच लगाने के बाद माइल्ड इरिटेशन तो होती है, वो तो नॉर्मल है। अगर ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, आपकी स्किन रेड हो गई है, तो आप एक आइस क्यूब लेके स्किन पे अच्छी तरह से रब करेंगे। ये देखिए, बहुत आराम से लग गया पूरे नेक पे और फिनिश। सो हम इसे रखेंगे, इस पर लिखा है अगर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आपको 10 मिनट्स रखना है, अगर आपका फेयर से थोड़ा कम है, बीटे से या फिर गेरुआ रंग जिसे कहते हैं वो है, तो आपको 15 मिनट्स रखना है। तो मैं इसको 12 मिनट्स या मैक्सिमम 15 मिनट्स रखूँगी, ठीक है। मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। सो गाइस, मैं वॉश करके आ गई हूँ और आप रिजल्ट देख सकते हैं, कितना ग्लो आया, ऐसा लग रहा है फेशियल किया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ और रिजल्ट देखिए कितना अच्छा है, एकदम स्किन यहाँ से नोज लाइट मार रही है, ये एरिया कितना चमक रहा है। सो गाइज, अगर आपका ब्लीच करने का मन है तो आप बिना किसी डर के कर सकते हैं, चॉइस आपकी होगी आपको क्या यूज़ करना है, मैंने बताया आपको।
सो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको रिजल्ट मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बिग थम्स अप देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट जरूर करना। और हाँ गाइस, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर मुझे बताइएगा। गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर ब्लीच किसी किसी पैकेट में ना प्री ब्लीच पोस्ट ब्लीच क्रीम दे रखते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था। अगर कुछ नहीं होता है तो आप प्लीज़ एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आपका फेवरेट हो, जो आपको लगता हो अच्छा है। मेरे पास लैक्मे का पीच मिल्क क्रीम है जो मेरा फेवरेट है, वो मैं अप्लाई करूँगी। ब्लीच करने के बाद गाइस सनस्क्रीन लोशन और कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। तो जब कभी भी आप ब्लीच करते हैं तो मॉइस्चराइजर क्रीम जरूर अप्लाई करें। तरफ से ये हाईली हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। इसे माइल्ड इरिटेशन जरूर हो, ये बहुत माइल्ड, आपको पता भी नहीं चलेगा। और रिजल्ट देखिए कितना अच्छा है, एकदम स्किन यहाँ से नोज लाइट मार रही है, ये एरिया कितना चमक रहा है। सो गाइज अगर आपका ब्लीच करने का मन है तो आप बिना किसी डर के कर सकते हैं, चॉइस आपकी होगी आपको क्या यूज़ करना है, मैंने बताया आपको। सो गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको रिजल्ट मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बिग थम्स अप देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट जरूर करना। और हाँ गाइज कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर मुझे बताइएगा। टिल देन बाय बाय।